दोस्तों, आज की वीडियो में आपको सात ऐसी डॉक्यूमेंट्री बताने वाली हूँ जो आपको एक बार जरूर चेकआउट करनी चाहिए। वो हमेशा कुछ न कुछ जबरदस्त सिखाती हैं। कुछ इंग्लिश में है और कुछ हिंदी में, जो मैं वीडियो के दौरान बताती रहूँगी कौन सी हिंदी में और कौन सी इंग्लिश में अवेलेबल है। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्री, उसका नाम है द सोशल डिलेमा, जो कि 2020 में आई थी। ये आपको नेटफ्लिक्स में हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिल जाएगी। इस मूवी के अंदर जितनी भी टेक्नोलॉजी बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं, उसमें कुछ एग्जीक्यूटर होते हैं जो कि अपने इंटरव्यू दे रहे होते हैं कि उनके पास क्या क्या ऑर्डर थे। वो एप्लीकेशन जैन करते हुए इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह सिर्फ इंटरव्यू नहीं होते हैं, बल्कि दिखाया जाता है कि ये एप्लीकेशन हमारे जीवन में किस तरह से अफेक्ट करती है, एक फैमिली के साथ, एक फैमिली के थ्रू। एक ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट्री है ये। मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप एक बार इसे ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं वो जो रोज़मर्रा में ज़्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, तो आँखें खोल देने वाली डॉक्यूमेंट्री ये आपको ज़रूर देखना, कंसीडर करना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं दूसरे रिकमेंडेशन की तरफ। ये है और प्लानट। ये एक मिनी सीरीज है, इसके अंदर 8 एपिसोड आ चुके हैं, एक सीजन आ चुका है, दूसरा सीजन आने वाला है। ये बहुत, अगर आप नेचर से बहुत प्यार करते हैं तो आपके लिए ज़बरदस्त सीरीज है ये। ये सीरीज हमारे प्लानट के वो वाली साइड दिखाती है जो हमने अभी तक नहीं देखी है, क्योंकि हम लोग शहरों में रहते हैं तो जंगलों वाली साइड ज़्यादातर नहीं देखी होती है। इस सीरीज के अंदर कुछ शॉट्स तो ऐसे हैं जो पहली बार रिकॉर्ड किए गए हैं, और इसके एक सीजन को शूट होने में 4 साल लग गए हैं, तो समझ सकते हैं कि इसको लेकर कितनी ज़्यादा डेडिकेशन रही है। एक बार ज़रूर देखना, नेटफ्लिक्स पर आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगी, लेकिन हो सकता है कि हिंदी में भी आपको ये जल्दी देखने को मिल जाए। तो आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो इसको सबसे पहले देखना। और अभी और प्लानट की बात कर रहे हैं तो मैं आपको छोटा सा बोनस बताती हूँ। जब और प्लानट इतना बड़ा हिट हो गया, तब उसके कुछ ही समय बाद एक और डॉक्यूमेंट्री आई थी जिसका नाम था अबश्योर्ड प्लानट। इसके अंदर हमारे प्लानट के अंदर जितने भी अजीबों गरीब क्रिएचर्स हैं जो हम लोगों को नॉर्मली देखने को नहीं मिलता है, उनकी ज़िंदगी दिखाई गई है। देखकर बीच बीच में घिन भी आती है, लेकिन वो भी हमारी दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, हमको उनके बारे में ज़्यादा पता भी नहीं है, तो ये देखना कंसिडर कर सकते हैं। इसका नरेशन बहुत ही ज़्यादा बेकार है, इसका प्रेजेंटेशन बहुत ही ख़राब है, इसकी क्वालिटी भी ज़्यादा खास नहीं है, इसलिए ये इतना ज़्यादा चल नहीं पाया। लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं कि हमारी दुनिया में क्या क्या अवेलेबल हैं, किस तरह के क्रिएचर्स अवेलेबल हैं, तो देखना कंसिडर कर सकते हैं। अगली डॉक्यूमेंट्री इनसाइड बिल्स ब्रेन, डिकोडिंग बिल गेट्स। ये सीरीज 2019 में आई थी। इस सीरीज के 3 एपिसोड हैं, एक एक घंटे के 3 एपिसोड हैं, लेकिन ये सीरीज आपको इतना कुछ अवेलेबल सिखाती है कि खत्म होने के बाद आपको लगेगा कि माइंड में कितनी इन्फॉर्मेशन लोड हो चुकी है, इतना कुछ सीख लिया होगा कि आपको लगेगा कि आपने बहुत सारी किताबें पढ़ ली होंगी। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेगी नेटफ्लिक्स के ऊपर। अगर आप बिल गेट्स के फैन नहीं भी हैं तो भी ये सीरीज देखना, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाएगी, क्योंकि सीरीज में बहुत कुछ हर किसी के लिए कुछ ना कुछ ज़रूरी है। अगली डॉक्यूमेंट्री है जिसका नाम है बिकमिंग वॉरेन बफेट, जो कि 2017 में आई थी। वॉरेन बफेट दुनिया के नंबर 1 इन्वेस्टर माने जाते हैं काफ़ी समय से। तो जो लोग पैसों के बारे में सीखना चाहते हैं, ग्रो कैसे करें इसके बारे में सीखना चाहते हैं, वो सब लोग वॉरेन बफेट के बारे में रीड करना पसंद करते हैं। इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर वॉरेन बफेट की शुरुआत से लेकर पूरा अभी तक की जर्नी दिखाई जाती है कि वो 12 साल की उम्र से लेकर इन्वेस्टिंग कैसे स्टार्ट करा और आज भी वो क्या प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले, उनका लाइफ स्टाइल क्या है, उनके दोस्त कौन से हैं। ये सीरीज काफ़ी कुछ कवर करती है वॉरेन बफेट के जीवन को लेके। ये आपको हॉट स्टार पर इंग्लिश में देखने को मिल जाएगी, हिंदी में अभी नहीं है। अगली डॉक्यूमेंट्री है रिटर्न टू स्पेस, जो कि 2022 में आई थी। जैसा आप पोस्टर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एलोन मस्क का फोटो लगा है। एलोन मस्क की 20 साल की जर्नी रिकॉर्ड करती है ये सीरीज। ये पूरे 2 घंटे की डॉक्यूमेंट्री है, पूरे टाइम आपको यही लगेगा शायद और देखूँ। अगर आप साइंस स्पेस के बारे में जानना पसंद करते हैं तो ये सीरीज एक बार ज़रूर देखना। एलोन मस्क का जो नज़रिया है, पैशन स्पेस ट्रेवलिंग को लेकर, वो इस सीरीज में बहुत अच्छे से दिखाया गया है। रिटर्न टू स्पेस नेटफ्लिक्स में हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने को मिल जाएगा। अगली डॉक्यूमेंट्री, इसे बहुत ही कम लोगों ने देखी है, इसका नाम है पिक्सार स्टोरी। ये 2007 में आई थी। अब हमने पिक्सार की मूवी बहुत सालों से देखी है, जबरदस्त तरीके की एनिमेशन होती है। इसके अंदर इसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसा स्ट्रगल था, कौन कौन से थॉट्स प्रोसेस थे, किस तरह से 3D एनिमेशन को दुनिया के अंदर इन्फ्लुएंस किया गया, ये सीरीज बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करती है। तो ये डॉक्यूमेंट्री देखना एक बार आप ज़रूर कंसिडर करना, ये आपको हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। इससे ज़्यादा पॉपुलर डॉक्यूमेंट्री नहीं है,
इसलिए इसे हिंदी में डब नहीं किया गया है। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो एक बार इसे जरूर देखना। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री है मनी एक्सप्लेंड, जो 2021 के अंदर आई थी। इसके टोटल 5 एपिसोड हैं। ये आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। ये सीरीज आपको पैसों को लेकर एक नया नज़रिया प्रोवाइड करती है। हर एक एपिसोड पैसों को लेकर कैसे डिस्कस करता है। मेरा फेवरेट एपिसोड क्रेडिट कार्ड को लेकर था। इसके अंदर वो क्रेडिट कार्ड के फ़ायदे और नुकसान दोनों तरीके बताते हैं। इसका एक ही एपिसोड है, बाकी एपिसोड हैं जो आपको रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे करें उसके बारे में सिखाते हैं। बहुत कुछ रुपयों को लेकर कवर करती है। अगर आप मनी सीरीज में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते हैं तो आप ये वाली सीरीज ट्राई कर सकते हैं, जिसका नाम है डर्टी मनी। इसके टोटल 12 एपिसोड हैं अभी तक, जो कि 2 सीजन में डिवाइड हैं। जैसा कि नाम से ही अंदाज़ा लग जाता है कि ये डर्टी मनी के बारे में है, जो दुनिया के अंदर लालच है रुपयों को लेकर करप्शन है, अब वो पूरी दुनिया के ऊपर कैसा इफेक्ट कर रहा है। ये पूरी सीरीज अलग अलग एपिसोड में अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कस करती है। काफ़ी हाईली रेटेड सीरीज है, लेकिन इसको समझने के लिए आपके पास थोड़ा फाइनेंशियल एजुकेशन होना ज़रूरी है। अगर आप फाइनेंशियल लिटरेट नहीं हैं तो हो सकता है आपको ज़्यादा समझ में ना आए। अगर आप समझ सकते हैं तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये थी कुछ डॉक्यूमेंट्री जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती थी। अगर वीडियो मैं ये ख़त्म करती हूँ। थैंक यू।